हाय फ्रेंड्स, फूड गली में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का पॉकेट। जब आप बनाओगे ये चिकन टिक्का पॉकेट तो आपके घर में तारीफों के उड़ेंगे रॉकेट। यकीन मानिए, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। इसके लिए मैंने लिया है एक बाउल में 250 ग्राम कीमा, बोनलेस कीमा है हमारा चिकन का, 1 टीस्पून भुना कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर धनिया ऐड किया है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून भुना कुटा जीरा और 1/2 टीस्पून यहाँ पर ऐड करेंगे हम चाट मसाला का पाउडर। उसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे नमक 1/2 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वहाँ पे लिया मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे नींबू का रस। यहाँ पे अगर आप नापोगे इसे तो 1 चमचे के बराबर है चाय के चम्मच से। इसे हम मिला लेंगे अच्छे से। और हाँ, साथ में हम इसमें थोड़ा सा चुटकी भर हम फूड कलर ऐड करेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अगर आपको फूड कलर स्किप करना है तो बिल्कुल स्किप कर सकते हो। उसके जगह पे आप जो मैंने हल्दी ऐड किया था, हल्दी की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा कर देनी है, यानी 1/2 टीस्पून ले लेना है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे साइड में। आधे घंटे बाद हम एक पैन में लेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल, इसमें हम डालेंगे 1 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। इसे हमें ब्राउन नहीं करना है, इसे सिर्फ ट्रांसपेरेंट कलर आ जाए प्याज में, बस इसमें ऐड कर देंगे हम मैरिनेट किया हुआ चिकन। अब जो बॉल में हमने चिकन लिया था, जो उसमें मसाले बचे हो रह गए उसे हमने धोना, उसे फेंकना नहीं है। पहले हम इसे इस चिकन को अच्छे से मिला लेंगे प्याज के साथ। अब उसी बॉल को उसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे, अगर आप मेज़रमेंट करें तो 2 से 3 टेबलस्पून है, इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद इसे मिलाते हुए पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद हमें इसे ढक देना है, ढक के हम 5 से 6 मिनट तक लो फ्लेम पे पकने देना है। 5 से 6 मिनट बाद हम देखेंगे चिकन ही हमारा बहुत जल्दी गल जाता है, बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो चुका है हमारा ये चिकन। अब जो भी पानी बचा कुचा रहेगा उसे हम हाई फ्लेम पे भून लेंगे ताकि जो हमारा चिकन टिक्का है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। अब हम इसमें साथ ही ऐड कर देंगे 1 हैंडफुल धनिया पत्ता, हमारा फ्रेश धनिया पत्ता है हमारा, इसे अच्छे से मिला लेंगे। बस आपका चिकन टिक्का तैयार है। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें रखेंगे हम एक चारकोल गरम किया हुआ, उसमें हम 1/2 टीस्पून डालेंगे ऑयल और धुआं देने के, जो चिकन टिक्का में जो फ्लेवर होता है धुएं वाला जो, तो वो देने के लिए हमें ये करना है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। ये देखिए अब हमारा चिकन टिक्का बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे मैंने डाला है यहाँ पे 1 टेबलस्पून पिज्ज़ा सॉस और 1 टेबलस्पून मायोस। आपके पास अगर नहीं है तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। इससे डालने से क्या होता है, हमारे टेस्ट अच्छा हो जाता है और किसी भी सॉस या चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ती इसे खाने के लिए। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे ब्रेड लिया, देख सकते हैं आप, मेरा ब्रेड जो था वो बहुत ही टेढ़े मेरे चिपके से थे, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो इसमें मैंने साइड साइड के ब्रेड को साइड कर हटा लिया था। अब बस इसको रोटी की तरह बेल लेना है, जहाँ बिल्कुल पतला हो जाए जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर आपके पास बड़े साइज के ब्रेड हो तो इसमें 2 भाग कर ले आप। अब एक बाउल में मैंने लिया है 2 टेबलस्पून मैदा और इसे एक घोल बनाया है मैंने नमक डाल के और थोड़ी कुटी हुई लाल मिर्चों को डाल के। और हाँ, जब आप घोल बनाए तो जब आपका घोल थोड़ा गाढ़ा रहे तभी आप 1 टेबलस्पून के करीब निकाल दें, उसके बाद पानी ऐड करके इतना पतला कर लें। अब गाढ़े घोल का जो, ये देखिए जो गाढ़ा जो घोल था हमारा, उसे लय की तरह जो हमारा रहे उसे बस ऐसे साइड में लगाना है किनारों में। आधे में ही हमको लगाना है, पूरा ब्रेड में नहीं लगाना है हमें चारों तरफ। अब हम इसमें डालेंगे चिकन टिक्का, मैंने थोड़ा भर भर के चिकन टिक्का डाला है। अब इसे फोल्ड करते हुए पॉकेट के शक्ल में हमें इसे देना है। जो हमारी जो लय थी थोड़ी गाढ़ी थी इसलिए मैंने कहा था पतला वाला बनाए, लेकिन उससे पहले आप मोटा निकाल ले, उसके बाद पानी ऐड करें घोल बनाने के लिए जो सैलेड बनाना हमें। अब देखिए इसे ऐसे चिपका लेना है। अगर आपके जो ब्रेड है वो फट रहे हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो एडजस्ट हो जाएंगे बाद में जब आप ब्रेड क्रम्स इसमें मिलाओगे। तो ये देखिए इसे डिप करना है हमें, जो हमने घोल तैयार किया था पतला सा उसमें डिप करना है इसे, और इसके बाद हम इसे ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स में। चम्मच के सहायते से या फिर हाथों के सहायते से आप इसे अच्छे से ब्रेड क्रम्स को इसमें चिपका लें।
ये देखिए अच्छे से हमारा चिपक गया हमारा ब्रेड क्रम्स, आप देख सकते हैं। आपको एक बार करीब से मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए। बस ऐसे सब आपको सारे जो ब्रेड से हमारे पॉकेट्स उसको तैयार कर लेना है। अब हम एक लेंगे पैन, उसमें डाला मैंने ऑयल। ये देखिए मैंने 5 ही पॉकेट्स बनाए हैं, और जो चिकन टिक्का बाकी रह गया था उसे मैं बाद में बनाऊंगी। आप इसे फ्रीज एंड स्टोर भी कर सकते हैं। अब हम देखिए हमारा तेल जो है ज़्यादा गर्म नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए हमारा जो ऑयल है। एक एक करके हम सारे चिकन पॉकेट्स डाल देंगे और 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसे पकने देंगे, क्योंकि हमारे जो अंदर के जो भी स्टफिंग है वो अच्छे से कुक हुए हैं। तो बस हमें ब्रेड को अच्छे से कुरकुरा होने तक पकाना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दे। ये देख सकते हैं बहुत ही क्रंची, और आप इसे मैं आपको ज़रूर कहूँगी आप इसे इफ्तार में ज़रूर बनाएं। इफ्तार में जब इसे ट्राई करोगे रमज़ान के महीनों में, सबको पसंद आने वाली है, बच्चे बूढ़े सब इसे पसंद करेंगे। और आप चाहते इसे टिफ़िन में भी बच्चों को दे सकते हैं। बस जो मिर्चें हमने डाली थी ना कुटी हुई मिर्चें, बस उसे थोड़ा कम कर देना है। ये देखिए 5 मिनट बाद मैंने इसे पलट दिया है, एक तरफ से बहुत ही क्रंची हो चुका है हमारा, दूसरी तरफ से भी हमें ऐसे ही पका लेना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर देना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।